खिलाड़ी खिलाड़ी अक्षय कुमार, हम भी अक्षय कुमार जी को बुला दीजिए, हम जो करेंगे वो अक्षय कुमार से नहीं होगा। अच्छा पर्सनालिटी तो आपका भी इतना अच्छा है, आपके पास गर्लफ्रेंड है क्या भैया? मेरे पास 4 साल गर्लफ्रेंड है। ये दांत से वेट उठाना, दांत से ट्रक खींचना, ये सब हर कोई नहीं करता है, लाखों हजारों में एक आदमी होता है जो ऐसा काम करता है। पर्सनालिटी, आप कितने सुंदर हो, स्मार्ट हो, हैंडसम, उसे क्या मतलब है? आपके पास बुलेट होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, और नहीं तो फॉर्चूनर, छोटा मोटा गाड़ी फॉर्चूनर हो गए। गर्लफ्रेंड लोग चाय बेचते हैं तो लड़की लोग तो देख के हंस के चल जाती है। आप मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि आप लोग अगर मदद करिएगा तो बाहुबली रंजन रहेगा, नहीं तो फिर लोग जान गए हैं कि छोटा मोटा जॉब भी के लिए अगर कहीं अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे कि भाई इतने बड़े लोग हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज तक, और अभी मैं आ चुका हूँ पटना के मरीन ड्राइव पर, और मुझे एक भैया दिखाई दिए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी चाय वाला लिखा हुआ है, जो भैया इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, यहाँ तक कि इंडिया बुक ऑफ में भी रिकॉर्ड बना चुके हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक्टर अक्षय कुमार को ओपन चैलेंज देते हैं, जो अक्षय कुमार भी ऐसा नहीं कर सकते हैं वो ओपन चैलेंज देते हैं ये भैया खिलाड़ी चाय वाले भैया, कि अक्षय कुमार भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं कि आखिर उन्होंने ये खिलाड़ी चाय वाला नाम क्यों रखा, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे चाय वाला, इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ चुका है खिलाड़ी चाय वाला का, इनकी स्टोरी क्या है, चलिए खिलाड़ी चाय वाला से जानते हैं। तो सबसे पहले भैया स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है खिलाड़ी चाय वाला नाम क्यों पड़ा? हम खुद ही एक खिलाड़ी हैं, इसीलिए अपने नाम से ही खिलाड़ी चाय स्टोर खोले हैं। अच्छा, अक्षय कुमार को ओपन चैलेंज दिया, इसके पीछे क्या है? ओपन चैलेंज इसलिए दिए कि सब लोग देखे, अक्षय कुमार को चैलेंज देने का रीजन यही था। सब लोग पढ़ने के बाद बोलते हैं ना खिलाड़ी खिलाड़ी अक्षय कुमार, हम भी अक्षय कुमार जी को बुला दीजिए, हम जो करेंगे वो अक्षय कुमार से नहीं होगा। ये सच्ची बात है, वो जो करते हैं हमसे नहीं होगा, और हम जो करते हैं अक्षय कुमार जी से नहीं होगा, क्योंकि वो उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि हम जो कर रहे हैं उनसे नहीं होगा और वो जो कर रहे हैं हमसे नहीं होगा। उठाते दांत से 130 केजी ऐसे कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, और ट्रक को भी दांत से खींचते हैं। हाँ, उसका भी प्रैक्टिस होता है, बहुत काफ़ी लंबे समय से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इसी का परिणाम है। जैसा प्रैक्टिस करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा, जैसा अभी पढ़ाई करेंगे उसका रिजल्ट आएगा। तो आपने ये चाय दुकान क्यों खोला? आर्थिक तंगी की वजह से। कहीं जॉब का भी ट्राई किए होंगे? बहुत सारा किए, सक्सेस नहीं मिला। सक्सेस मिलता तो चाय बेचते। अच्छा, आपकी हाइट क्या होगी? हाइट है 6 के आसपास। 6 के आसपास। वजन क्या होगा? 95। अच्छा, आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है कि बुक में नाम आया है, कब मिला है? ये 2021 में। 21 में मिला। अच्छा अच्छा, एक पर्सनल बात पूछना चाहते हैं आपसे, गर्लफ्रेंड कितनी है? आपका इतना क्या पर्सनैलिटी है, तो गर्लफ्रेंड तो होगी 2-4। अरे गजब सवाल भी पूछने का गजब तरीका है, चाय के स्टॉल से डायरेक्ट गर्लफ्रेंड की बात पूछ रहे हैं। अच्छा, दुकान को साइड में कीजिए एक बार, ठीक है, आपका पर्सनैलिटी। अच्छा पर्सनैलिटी तो आपका भी इतना अच्छा है, आपके पास गर्लफ्रेंड है क्या भैया? मेरे पास 4 साल गर्लफ्रेंड है। मेरा दुर्भाग्य है भैया, चाय बेचने वाले लड़का का कोई गर्लफ्रेंड बनेगी? अच्छा, लड़कियों को तो राजा कुमार सपने में आता है, चाय वाले तो आएंगे नहीं। हाँ यही बात है, वो तो पर्सनालिटी कोई मायने नहीं रखता, पैसा मायने रखता है एकदम, नहीं पैसा ही मायने रखता है तो बोलते हैं पर्सनालिटी कोई मायने नहीं रखता। पर्सनालिटी, आप कितने सुंदर हो, स्मार्ट हो, हैंडसम, उसे क्या मतलब है? आपके पास बुलेट होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, और नहीं तो फॉर्चूनर, छोटा मोटा गाड़ी फॉर्चूनर हो गए। गर्लफ्रेंड आपकी जो चाहिएगा जैसी वैसी मिल जाएगी, और हम लोग चाय बेचते हैं तो लड़की लोग तो देख के हंस के चल जाती है। अभी ठीक है, आप चाय बेच रहे हैं, ठीक है, इससे पहले जब चाय नहीं बेच रहे थे तब क्या मोमेंट था? उस समय तो अपने गेम से फुर्सत नहीं होता था। अच्छा। रियल बताया जाए तो हम गेम पे इतना फोकस करते थे कि बहुत दिन हो जाते थे हमारे घर पे बात किए हुए। अच्छा। हमारे जहाँ एकेडमी में रहते थे वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग बोलते भी थे हमको, दोस्त लोग, कि काहे नहीं गर्लफ्रेंड बना लेते हम, कि गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो तुम लोग जैसा यहीं रहेंगे। आज देखिए वही लोग आगे चल गए और हम ही यहीं हैं, यही दुर्भाग्य है। तो आपको सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सुबह सरकार से क्या कहें, उम्मीद ही ख़त्म हो गया। अब तब पर भी हम बोलेंगे कि सर आप हमको
जॉब प्रदान करिए जिससे हम लिम्का और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करें। कोशिश हमारी जारी है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो ये बाहुबली रंजन चाहे रंजन दफन हो जाएगा, कहीं ना कहीं गांव का लड़का गांव में ही रह जाएगा। कोशिश बहुत रहा हमारा कि अपना बिहार का नाम वर्ल्ड लेवल पे जाए, क्योंकि दांत से वेट उठाना एक आम बात नहीं है, हर कोई नहीं उठा सकता है, हर गेम हर कोई खेल सकता है, बक ये दांत से वेट उठाना, दांत से ट्रक खींचना, ये सब हर कोई नहीं करता है। लाखों हजारों में एक आदमी होता है जो ऐसा काम करता है। इसके बाद भी लोगों के नज़र में नहीं है तो फिर क्या करें, अब तो गेम छोड़ने के कगार में है। चाय स्टॉल भी बंद होने वाला है आगे। चाय स्टॉल बंद होने वाला क्यों? देखिए यहाँ भी स्थिति, चाय का स्थिति ठीक नहीं है, 200-400 रुपया भी हम लोग नहीं कमा पाते हैं, तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? अब कहीं मजदूरी करने निकलेंगे, उस रंजन को दफना देंगे, बाहुबली रंजन को, फिर नए नाम से कहीं जॉब करने जाएंगे? कहेगी इस फेस पे तो कहीं इतना फेस लोग जान गए हैं कि छोटा मोटा जॉब भी के लिए अगर कहीं अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे कि भाई इतने बड़े लोग हो, आपको जॉब भी कैसे दें। बहुत सारी बातें हैं, यानी कि आप बीच में फंस चुके हैं। हमारा मतलब कहते हैं ना, गंगा के बीच में जब नाव जाती है ना, जब गाँव नाव के बीच में जब छेद हो जाती है तो उसके अंदर पानी कितना भी उपछिए ना, वो डूब ही जाता है। वही हाल मेरा हो गया है, ना इधर के ना उधर के, बीच में है। अब क्या होगा भगवान जाने। और आप मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि आप लोग अगर मदद करिएगा तो बाहुबली रंजन रहेगा, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएगा बाहुबली रंजन। मीडिया को तो पूरा सपोर्ट रहेगा, मीडिया का पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीरबल बिंदास है। ये चाय दुकान, आर्थिक स्थिति इनका कमज़ोर है, इसलिए अपना पेट चलाने के लिए अपना चाय का स्टॉल खोले हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको कि इतना अच्छा अवार्ड मिला हुआ है, इंटरनेशनल बुक ऑफ नाम है इनका, फिर भी चाय दुकान खोल रहे हैं? हमें तो सुन करके बहुत ही ख़राब लगता है, बिहार का नाम बहुत ख़राब होता है, ऐसे ऐसे खिलाड़ी अवार्ड लिए हुए हैं फिर भी उनको चाय बेचना पड़ता है। कहते हैं ना, हमको तो ऐसा लगता है कि मेरियन ड्राइव पे ऐसे खिलाड़ी अगर हो करके चाय बेचेंगे तो बिहार का विकास का भी हो पाएगा? कभी नहीं होगा। हो पाएगा? बस बिहार में बालू जैसे है, ईंटा है, वैसे ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ये दुर्भाग्य बिहार का जो यहाँ पर एक खिलाड़ी चाय वाले चाय बेच रहे हैं, जबकि इतना अच्छा नाम कमा चुके हैं फिर भी वो चाय बेच रहे हैं यहाँ पर मेन ड्राइव पर। मैं बिहार सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग रोज़गार दें जिससे ऐसे खिलाड़ी कभी चाय दुकान ना खोलें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।